दो प्रदेशों का चुनाव है भाई, इधर हिमाचल के हो साफ हो गए, कर्नाटक में हो वो साफ हो गए, तो ये पेड़ होता है 100 साल पुराना। आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे द कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन को लेके आज 50वां दिन है, लगभग 85 दिन है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर के जमीनों पे घुटने रगड़ रहे हैं, पर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आइए पूर्व सैनिक से बात करते हैं। ये कहो जी भाई, पहले तो चैनल को सातरा कलाम न्यूज, अच्छा कलाम न्यूज वाले जो भी सुनने वाले भाई दरखन सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत। हाँ सवाल डाली, मैं कह रहा हूँ ताऊ जी, यहाँ पे जो है पूर्व सैनिकों की संख्या क्यों नहीं दिख रही है भाई? सैनिकों की संख्या देखिए, कैमरा घुमा दे कितने बैठे, ठीक है, जो जितनी इजाजत दे रखी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतने है हमारे भूतपूर्व सैनिक। आज लगभग 2.5 दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए हैं क्या नाम, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो है आप लोगों को खुशखबरी नहीं आ रही है भाई। खुशखबरी आवे तो आपको भी टीवी पर चल रहे, आपका भी चैनल बढ़िया ढाल है, लेकिन क्या करे, खुशखबरी को देंगे, पर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का वो प्लेटफॉर्म बना के दिया था रेवाड़ी के अंदर, बढ़िया डाल। रेवाड़ी के अंदर तो बड़े बड़े घोषणा हुई थी, उस घोषणा में से कुछ प्रधानमंत्री जी ने लागू भी करा पूर्व सैनिकों के लिए। कहा किया 5% भी ना किया उसने। अच्छा हाँ, वो तो अधिकारी ले गए, अभी घोषणा की इसने ROP2 की, जिसमें 28 करोड़ रुपया दिया, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से बात हुई थी मेरी, वो 28 करोड़ रुपया दिया, और करोड़ रुपया गया कितने, 6 करोड़ रुपया ORJC उसको मिल गया है, बाकी जो पैसा है वो सब अफसरों के पास गया। और क्यों, किस लिए गया, उसकी संगतियां हैं, जो कटागिरी होगा अपने अफसर उसकी दो दो पेंशन हो जाती है, एक डिसबिलिटी पेंशन एक रैंक की पेंशन। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कितनी पेंशन हो गई अब भाई, प्रधानमंत्री की देख ले गिन ले, 5 बार तो मुख्यमंत्री रह गया, 2 बार प्रधानमंत्री हो गया, तो लाले कसम खाते हैं राष्ट्रपति ने जो उससे टाइम पेंशन शुरू हो जाती है। तो अपने तो बढ़िया ढाल पैसा ले लेते हैं, जो गरीब तपती हुई धरती के अंदर रेगिस्तान के अंदर जवान रहता है, जो के वहां का 55-60 डिग्री तापमान में होता है, बाड़मेर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, जितने भी मेयर से बीकानेर से सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है, ये जितने मेयर है ना सारे गुजरात से लेकर और जम्मू पंजाब तक, इसमें गर्मी बहुत सबसे ज्यादा होती है हिंदुस्तान की। पूर्व सैनिकों को जो है अफसर भी क्या, हो कह रहे हो सैनिकों को अफसर भी शोषण करते हैं क्या, उस पर कुछ कहेंगे? अफसर तो सारा है शोषण कर रहे, अभी कर दिया शोषण, इसमें बैठे IPS अफसर जो हमारे इसको पेंशन को करते हैं डिवाइडेड है, उसको अफसर ही तो करते हैं, जो बैठे IPS अफसर तो रक्षा मंत्री के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, वही तो निर्णय देते हैं किसको कितना पैसा दे। नहीं, सैनिकों से अफसर जो है अपने घरों में काम भी कराते हैं सारे, क्या नाम, मैंने सुना भाई, यूँ तो करावे है, यहाँ तो पहले से प्रथा चलती आ रही है, जब से अंग्रेजों के टाइम में भी यही प्रथा थी, अभी भी यही प्रथा, एक अफसर के घर में 10-10 जवान रहता है, ठीक है, कोई बूट पॉलिश करने खातर, कोई कुत्ता घुमाने खातर, कोई उसका बगीचा खोदने खातर, तो जवान तो आधे तो उड़ा खड़े रहे, ड्यूटी वाला बेचारा भूखा मरता रहा ऐसे सारी बार, वो ड्यूटी भी दे भूख भी ना, रोटी टाइम पे ना मिलती, ये संगतियां बहुत है। नहीं, मैंने सुना कपड़े भी धोते हैं साहब के भी, और क्या नाम, मैम साहब के भी। हाँ भाई को गया होगा, उसने धो दिए होंगे, मन ना के मेरा उसका, मैं गया ना भैया, भैया मैं कह नहीं सकता। और पूर्व सैनिकों के लिए कोई आह्वान करेंगे जंतर मंतर पे अपना जमावड़ा दिखाने के लिए? हाँ भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हिंदुस्तान में हमारे भूतपूर्व सैनिक सुन रहे हैं इस चैनल को, भाई सुते मत रहो, दरी कुर्सी बिछाना हो, जल्दी जल्दी यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचो, आप लोगों से गुजारिश है, जितना भूतपूर्व सैनिक है और पहलवानों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूँ मैं, जितने भी हमारे प्रांत के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल,
बिहार जितना भी आसाम बंगाल जो भी है सारे मध्य प्रदेश यूपी जितने भी है भाई पहलवानों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ पूर्व सैनिक और अफसरों की पेंशन में जिस तरह से किसी का हाथ पैर टूट जाता है कोई वैसा उसमें क्या विसंगतियाँ हैं, उसको डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं। जिसका एक अफसर का कट जाता है उसको 6 लाख, जवान का कट जाता है उसको 60,000, ये डिफिकल्टियां है भाई बहुत गणी। और किस किस तरह की है? अरे बहुत संगति है, हमारी भी दुआ है, उसको भी 11,000 रुपये में गुजारा कर रहा है क्या आज के टाइम में वो कर सका है गुजारा? 9,000 रुपये में बताऊ, 9,000 में 1100 का तो सिलेंडर हो गया। उसके बाद अपना खाना दाना जो सब्जी लाओगी दूध लाओगी वो भी 70 रुपये लीटर दूध से वो भी मोल लाओगी जब भी पूरा ना होता। 9,000 तो वैसे बिखर जाए, 15 दिन भूखे रहे 15 दिन छिके रहे। अगर आपको ओआरओपी के ऊपर ये विसंगतियां नहीं खत्म की गई, 2024 का चुनाव आने वाला है उसमें पूर्व सैनिक का क्या वो होगा? भाई पहले पूर्व सैनिकों ने बैठाया था ये भाई वो मर्जी से अगर उनको ना मिलेगा तो कुर्सी ने खींच लेंगे। पक्का? पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपके सामने दो प्रदेशों का चुनाव है भाई, इधर हिमाचल के है साफ हो गए, कर्नाटक में है वो साफ हो गए। तो ये पेड़ होता है 100 साल पुराना, उसकी जड़ें बहुत जमीन के अंदर गहरी होती है, तो सरकारों की जड़ें गहरी थी अभी धीरे धीरे कटना शुरू हो गई है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी जड़ें सारी कट जाएंगी, ये यहाँ हिंदुस्तान में दिखाई भी नहीं देंगे, हिंदुस्तान में दिखाई भी नहीं देंगे। अगर पूर्व सैनिकों का जो भी क्या नाम वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां है इसको दूर करे सरकार, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।